हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी टेक चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, आपके लैपटॉप या आपके पीसी से प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन फेल बता रहा है और एरर 0x702 इस तरह सा एरर आ रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब इसमें दो मेथड आते हैं दोस्तों, आज दोनों वो मेथड देख लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको सर्च में जाना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके टास्क बार में। सर्च क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्रिंट स्कूपर बोल के दिखेगा आपको। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना है दोस्तों। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। टैब पे क्लिक कीजिए एक बार, फिर स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर टॉप साइड पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। ये एक मेथड है दोस्तों, ये फर्स्ट वन मेथड। अगर इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। सर्च में जाइए और ट्रबल शूट सेटिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अदर ट्रबल शूटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे स्लैम देख सकते हैं आप प्रिंटर, यहाँ पर रन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पीसी या लैपटॉप से आपका प्रिंटर को सर्च करेगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। ये रहे दोस्तों दो मेथड इस एरर को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।